हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं टैली ERP9 में ईवे बिल की। जो ईवे बिल वाला ऑप्शन है वो कहां से एक्टिवेट करेंगे और इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन कर लेता हूं। ध्यान रहे कि आपके पास टैली का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो ये टैली यहां पर देखिए, एक कंपनी हमने पहले से क्रिएट कर रखी है। इसमें हम कुछ एंट्रीज, जाहिर तौर पर हमने कुछ बनाए होंगे एंट्रीज। तो हमें क्या करना है, कैसे हमें ईवे बिल वाला ऑप्शन चालू करना है वो देखेंगे। सबसे पहले यहां से आप प्रेस कर दीजिए F11। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर्स की विंडो पे आ जाएंगे आप। अब कंपनी फीचर्स में आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है, क्योंकि हम GST इनेबल करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हमें यहां जाना है। हालांकि मैंने पहले से इनेबल कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है कि कैसे ये इनेबल होगा और कैसे ईवे बिल इनेबल करेंगे वो। इस वजह से यहां पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे हम जाएंगे और यहां से हम करेंगे यस, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कर देंगे। जब यहां से यस करेंगे तो यहां पर ये रेगुलर ही रहेगा और इसको नो रखेंगे। यहां पर जीएसटी आईएन नंबर पड़ेगा, 1 अप्रैल 2020 से लागू हो रहा है ये। मंथली जीएसटी बिल हम फाइल करेंगे और यहां पे ईवे बिल को जो हम नो करते थे यहां यस करना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से मैं इसको लागू कर रहा हूं, आप जब से चाहे इसको लागू कर सकते हैं। इन यहां पे देखिए तीन ऑप्शन है, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। तो यहां पे अभी फिलहाल हम इनवॉइस वैल्यू रखेंगे। अभी जो कंडीशन है वो 50,000 वाली कंडीशन चल रही है, यानी इसकी जो लिमिट है 50,000 तक ये छूट देता है। 50,000 के बाद अगर आप परचेजिंग और ज्यादा करते हो तो ईवे बिल वहां अप्लाई होता है, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब अगर आप दूसरे राज्य में माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो उसे हम इंट्रास्टेट कहते हैं। चलिए ये देयर सोल्ड लिमिट 50,000 की लिमिट है, ठीक है। और यहां से हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। यहां पर देखिए मैंने पहले से बना रखा है, प्राइमरी आइटम लिखा हुआ है, HSN कोड डाला हुआ है, टैक्सेबल रखा है और यहां पर इसके अकॉर्डिंग टैक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे सेस को मैं जीरो रखता हूं, अभी सेस हमें नहीं लगाना, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो अब इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं हम। यहां से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भी यस कर लेते हैं हम। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमें एंट्री बनानी है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं परचेज वाउचर में, देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। तो परचेज वाउचर में जाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि F9 प्रेस करना होता है, तो यहां से आप F9 प्रेस कर लीजिए। यहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर 7 दे देता हूं मैं, और देखिए यहां पर बिल नंबर जो है 4 है, ये 4 है, ठीक है। इसी डेट पे खरीदारी कर रहे हैं हम, परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, ठीक है। तो यहां क्रेडिटर आ गया, ठीक है। ये देखिए सेम स्टेट का मामला है और यहाँ परचेज का लेजर आ जाएगा। तो सेम स्टेट का जब भी मामला होता है तो हम वहां CGST SGST लगाते हैं और अदर स्टेट में माल सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो वहां पर हम या खरीदते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं IGST, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कुछ आइटम्स हमने पहले से बना रखे हैं, जैसे कीबोर्ड है, तो यहाँ कीबोर्ड हम खरीदते हैं, 50 कीबोर्ड खरीद रहे हैं। एक कीबोर्ड की कीमत 120 रुपए, तो 50 की कीमत आ गई यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पे हम एक चीज और बना लेते हैं, यहाँ पे अल्ट सी करके मैं लेजर बनाता हूं। यहाँ पे मैं लेजर बनाऊंगा अल्ट सी करके, और यहां पे मैं लिखता हूं डेस्कटॉप। तो यहां पे डेस्कटॉप, यहां पे मैं आइटम कर देता हूं, और इसकी जो कॉस्ट आएगी, अब हमको यहां पे लिखनी है कॉस्ट, कितने आइटम खरीद रहे हैं, 50 आइटम खरीद रहे हैं। कितने का एक डेस्कटॉप है, 22,000 का एक डेस्कटॉप, ठीक है। इंटरफेस किया तो यहां पे आ गया। और अब हम को क्या करना है, यहां पे हमें लगाना है CGST और SGST। CGST SGST इसलिए क्योंकि इंटरस्टेट का मामला नहीं है, ये सिमिलर स्टेट का मामला है, तो CGST SGST लगा देंगे, तो CGST आ गया। देन अब SGST लगाएंगे, तो ये SGST भी लगा दिया हमने। इंटरफेस किया, अब यहां पे देखिए आ रहा है प्रोवाइड GST ईवे बिल डिटेल, इसको आपको यस रखना है। जैसे ही यस करेंगे तो ये विंडो खुल करके ओपन हो जाएगी, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहां आ रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से ये लागू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंसाइनी, जो भी कंसाइनर है उसका नाम पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो आपका GST IN नंबर है वो डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। और अभी स्टेट हमारा जो भी उत्तर प्रदेश है वो डाल देंगे, एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ से, ये डाल दिया हमने। और यहाँ पे देखिए पिन कोड आ रहा है, तो पिन कोड भी डाल सकते हैं, प्लेस डाल सकते हैं, प्लेस डाल देता हूं मैं। जितना ज्यादा मैक्सिमम आपको फिल करना है, जितना ज्यादा मैक्सिमम आप फिल कर सकते हैं इन चीजों को, उतना फिल करिए आप।
डिस्टेंस कितने की दूरी होगी ये, तो मैं यहां पे डाल देता हूं 180 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर में रहेगी। यहां पे अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, लेजर यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 180 किलोमीटर ये दिया हुआ है, और यहां देखिए ट्रांसपोर्टर नेम पूछ रहा है, तो हमने लेजर बनाया नहीं है, तो यहां पे न्यू पे जाकर के हम लेजर बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टर नेम राम कुमार, एंटर प्रेस किया हमने, तो यहां देखिए राम कुमार आ गया है। अब ट्रांसपोर्टर की आईडी जो भी होगी वो डाल देंगे, ठीक है, और यहां पर व्हीकल नंबर आएगा, ठीक है, तो गैप नहीं देना है इसमें आपको, जो भी लिखिएगा बिना गैप के लिखिएगा, ठीक है, ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब ये रेगुलर और कार्गो दो चीजें आ रही हैं, यहां पे मैं रेगुलर रखता हूं, और यहां पर अब नीचे आप देख सकते हैं ये आ रहा है डीओसी लैंडिंग एयरवे नंबर, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो यहां पे आप डाल सकते हैं नंबर वो, ठीक है, तो यहां डाल दिया मैंने, और 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे हम न्यू रेफरेंस कर देते हैं और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट करा लिया संदीप क्रेडिटर, इसको हमने ओपन करा, यही हमारा जो बिल है वो है। अब इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से प्रिंट कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी के साथ अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, आप इसको प्रिंट कर पाएंगे, और यहां से हम इसको सेव करते हैं, प्रिंट प्री के नाम से सेव करता हूं इसको, और अब इसको यहां से क्लोज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, और चल के देखेंगे कि हमारा जो प्रिंट आया है वो कैसा आया है, तो पिक्चर में जाएंगे और यहां डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ये हमारे पास बिल जो है हमें दिखेगा, जो हमने पूरी डिटेल फिल की थी वो सारी चीजें यहां पर प्रिंट होकर आएंगी। तो इस तरह से आप देखिए यहां पे ईवे बिल नंबर वगैरह सब आ रहा है, ठीक है, ईवे बिल अभी लिख के नहीं आ रहा था, तो ये ईवे बिल भी लिख के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।